गांव बहुत सारे डूबे थे यहाँ जब टिहरी झील बन रही थी। आप बताओ मोटी हो रही है उसी गांव के ऊपर। ये मामा जी बोलता है उन्हें, मैं दादा जी बोल रहा हूँ। नहीं ये मेरा मामा ही होगा फिर। मामा जी वही नीचे। मामा चला गया है। मैं चला गया। मामा जी वहाँ नीचे ही है इंतजार चौक पे। चौक वहीं पे इंतजार कर रहे हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के शो में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फार जोन। और भाई आज हम जा रहे हैं घनसाली। इसी केस से घनसाली जा रहे हैं। और जो जा रहे हैं वो है मैं, ईशु, नानी और मामा जी। और बाकी अभी हमें ऋषिकेश के जाम में नटराज चौक में और यहाँ से निकलेंगे हम घनसाली। अब निकल रहे हैं 12 बजे के करीबन। देखते कितना घंटा लगता है, बाकी चलते हैं आज देखते हैं घनसाली। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था इससे पहले, तो आज ये बदौलत वो भी देख के आ जाते हैं कि वो क्या ही पता चलेगा। और तुम भी चलो मेरे साथ इस जर्नी में, देखते हैं आज कैसा कैसा रहता है सीन। और बाकी निकल रहे हैं अभी ऋषिकेश से। और ऋषिकेश का जाम भाई वो तो तुम देख ही सकते हो, मस्त तो रहता है। ठीक है, तो अभी तो खैर उतना नहीं है जबकि वैसे ज़्यादा रहता है यहाँ जाम। लेकिन फिलहाल निकलते हैं यहाँ से नटराज चौक से। जो जो स्टॉप आएगा बीच बीच में जहाँ जहाँ रुकेंगे वो कवर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहो ब्लॉग में। चलते हैं आगे घनसाली की तरफ। चलो तो भाई साहब अभी हमें बाघ भाटा में और चंबा हमने क्रॉस कर लिया, इसको पता ही नहीं था। तो ये सो रखा था या बूटा बताओ। तो मैंने ठगा रखा था कि तू चंबा ही नहीं पहुँचा अभी, पर खैर चंबा पहुँच चुके हैं हम कब के। और बाघ भाटा पहुँच चुके हैं अभी। और यहाँ से अभी निकलना है हमें आगे की तरफ, इधर की तरफ। अभी बस खाना खाने रुके थे, लंच हो रहा था। जब खाना खाने की बारी हुई तभी उठा। हाँ देखो कुरकुरों के ऐसे पैकेट दे रहे किसने। और बाकी मौसम ने भी फेर बदल कर दिया है अपना, मूड चेंज। तो अब निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं यहाँ से आगे, क्या पता बारिश हो जाए। फोन कहाँ है साहब? ऋषिकेश की गर्मी से तो भाई साहब इधर तो, इधर भी गर्मी है वैसे, लेकिन बारिश के चांसेस है। यहाँ से गए थे यहाँ से गए थे हम उस दिन डोरा चाटी के लिए, लेकिन आज हम जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, यहाँ से 4 किलोमीटर है। और आगे लड़कियाँ फोटोशूट कर रही हैं, हमारा भी निकालते हैं फोटो, तो बहुत बढ़िया बात होगी। टाइम हो चुका है 2:46, 3 बनने वाले अपना। हवा चल रही है बहुत तेज, मौसम तुम देख ही सकते हो कि कैसा हो रहा है। और बाकी अभी हम हैं मामा जी के गांव पे। ठीक है, मामा जी जो पूछी से बोलते हैं कोटी माली मालदेवल। ठीक है, जो ये नदी है ना, मतलब सॉरी झील है, जो तो झील के नीचे ही था इनका घर, मतलब पहले जो इनका गांव था डूब गया था यहाँ। हाँ सामने की तरफ जहाँ पर वो पेड़ है ना, पेड़ से पीछे की तरफ उस गांव के ठीक नीचे, ये जो गांव है इसके जस्ट नीचे ये हुआ था जब टिहरी बांध बन रहा था परियोजना के तहत, तो उस समय ये सब डूब गया था। गांव बहुत सारे डूबे थे यहाँ जब टिहरी झील बन रही थी। देखो बोटिंग होती है, आप बताओ बोटिंग हो रही है उसी गांव के ऊपर। नीचे गांव दफन है, बहुत सारे गांव। देखो मौसम कैसा हो रहा है, खतरनाक चेंज हो गया है। नीचे जितनी धूप थी ना उतने यहाँ पे बादल हो गए। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से आगे घनसाली के लिए। चलो क्या मस्त नज़ारा है भाई, क्या ही खूबसूरत है। तो भाई हम आगे पहुंच चुके हैं टिपरी पे, और टिपरी पे पहुंच तो गए लेकिन यहाँ पे बारिश का जो मौसम हो रहा है ना, 3 बज चुके हैं और 3 बजे ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज गए होंगे भाई। क्या ही अंधेरा हो रहा है यार। और अभी यहाँ पे बिजली पड़ी थी यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले। खैर बिजली पड़ती जा रही है और अब निकलते हैं, अब अपनी सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जाना है घनसाली और बाकी ये है टिहरी लेक, खूबसूरत टिहरी लेक। ये देखो पानी कैसा हो रहा है यहाँ पर से, हवा चल रही होगी ना। खैर खूबसूरत है, तो अब इस खूबसूरती को निहारते निहारते आगे निकलते हैं यहाँ से। और बिजली भी कड़क रही है गलती वाली, और चलते हैं भाई, मस्त चल रहा है, मज़ा आ गया। ये देखो तो भाई चलते चलते यहाँ पे बारिश लग चुकी है बहुत तगड़ी वाली, थोड़ा पानी का ब्रेक हो रहा है। तो बारिश लग गई, मस्त हवा चल रही है, ठंडी बारिश देख रहे हो, खतरनाक बारिश लग रही है। नीचे झील है यही नीचे, क्या मज़ा आ गया।
खराब लगी थी, खतरनाक बारिश। मजे ही मजे। ये डांडा पड़ रहा है क्या? चट्टे चट्टे क्या पड़ रहे? ओले पड़ रहे? हाँ, ओले भी पड़ रहे भाई। ओले नहीं, छोटे छोटे ओले पड़ रहे, छोटे छोटे ओले पड़ रहे। क्या बात, बारिश हो गई भाई, भयंकर बारिश। काफी गलत बारिश हो रही यार। ये रहे रुक रहे थे वो, ज्यादा बारिश हो रही, गलत बारिश, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे क्या पड़ रहे पीछे में, कुछ नहीं दिख रहा। ओहो बोले पड़ रहे भाई, गलत वाले यार, आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, गलत तो दिख भी नहीं रहा कुछ, सड़क तक नहीं दिख रही। शीशे उन्हें चटकाए, देख रहे हो क्या भयंकर हो रही बारिश। इसी केस में हो जाती ना अगर ऐसी बारिश तो मजा ही आ जाता सही में, लेकिन होते ही नहीं है वहाँ की बारिश, आते ही नहीं, पता नहीं क्यों वो साइड साइड से निकल जाती है हर बार। इसी केस में कुछ होता ही नहीं है भयंकर बारिश में। और देखो पानी नदियाँ बहने लगी भाई, मस्त डाली का पुल। बारिश थम चुकी है, थोड़ा कम हो चुकी है, मतलब कमी तो नहीं है पर कम हो गई है, पहले के मुकाबले बहुत भयंकर थी। नीचे की तरफ लगी हुई टिपरी से ऊपर ऊपर आते आते बहुत तेज लगी थी, अब काफ़ी कम हो चुकी है, हवा हो गई है बिल्कुल ठंडी, बारिश का मौसम थोड़ा कम लेकिन हवा मस्त हो गई है, खुशबू आ रही है मिट्टी की बहुत सटी। अरे हरे मजे मजे, और आप पूरी गाड़ी में पूरे लेटे हुए देखो, मजे मजे। सीट हमारी जब पीछे पूरा आ रही है और बाकी चल रहे हैं हम आगे। अभी अभी करीबन होगा 20 समथिंग किलोमीटर और हो जाओ है, चलते हैं आगे, करते हैं सफर एंजॉय। मुर्गे जंग रहे मुर्गे। सो गाइस पानी कम है अभी, ये तो पानी वो जो लाइन दिख रही है ये ऊपर पहाड़ की ये लाइन, यहाँ तक होता है पानी, लेकिन अभी पानी कम है, शायद बरसात में बढ़ेगा आज। अच्छा नीचे की तरफ थी, तो यहाँ से नीचे से थी गंजाली जाने की रोड। अच्छा पहले गंजाली जाने की रोड ये थी, ये वाली ये जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, लेकिन अब ये पानी है। हाँ हाँ, तो जो पुरानी गंजाली की रोड थी वो यहाँ पर है, ये नीचे जा रही है जो ये पूरा ये आगे से लेके, ठीक है। और जहाँ पे वो गाड़ी दिख रही है ना वो छोटी सी गाड़ी, तो उसके बगल से जो रोड जा रही है यहाँ से था गंजाली का रास्ता, लेकिन अब वो पानी के अंदर जा चुका है ये रास्ता, ये देखो यहाँ पर से, ठीक है, ये नाव के बगल से जो रास्ता दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर से पूरा जलमग्न हो चुका है रास्ता। तो और अब नया रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं, और बाकी ये देखो क्या मस्त है यार यहाँ से नज़ारे, और बारिश के बाद और सुहाना सा हो गया मौसम यहाँ पर। तो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये वाला, ये जो छोटी सी चोटी दिख रही तुम्हें एक पर्वत की, ये वाली ये पीछे ये वाला जो पर्वत है ना, ये भाई बहुत स्पेशल पर्वत है, इसका नाम है खैंट पर्वत। खैंट पर्वत मतलब यानी आछरियों का देश, आछरियाँ होती हैं जो लोगों को हर लेती है, मतलब उसके बाद ना उनका पता ही नहीं चलता, उनका हरण कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके की कहानियाँ है इस वाले खैंट पर्वत की। मंदिर है ऊपर टॉप में, मंदिर तो है लेकिन यहाँ पर जैसे नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते, मर्दों का जाना भी ज़्यादा से वो वर्जित है, जो मतलब सज धज के नहीं जा सकते तुम यहाँ पे, वरना आचरिया तुम्हारा हरण कर लेंगी, ठीक है। कोई गाना नहीं गा सकते, ढोल नहीं बजा सकते, और बाकी चोटी तो तुमने देख ही ली है कितना ऊपर है वो, बाकी पर्वतों से सबसे ऊपर वही है, ऐसा भी है उत्तराखंड। और फिलहाल निकलते हैं आगे कंसा, चलो। सो गाइस चलते चलते हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है कि टिहरी डैम के जो पत्थर गए थे वो सारे इस नदी से गए थे। कौन से गांव से? असेना गांव से गए थे, और अभी हम वहीं पर हैं, इस पहाड़ के पत्थर गए थे भाई ये। और यहाँ पर घंटी के पुल में हम पहुँच चुके हैं, अब गंजाली यहाँ से करीबन 10 से भी कम किलोमीटर बच चुका है, घंटी के पुल में पहुँच चुके हैं। नाम भी कैसा है, मस्त घंटी, ये घंटी का रास्ता है और हम आगे जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो भाई पिल की एंटर हो चुके हैं हम, और अब यहाँ से कितना है बचा हुआ? बस थोड़ा सा बाबा, यहाँ से डेढ़ किलोमीटर और, तो बस 1.5 किलोमीटर बस बचा हुआ है। वहाँ देखो घोड़ों की लड़ाई, लात पड़ गई,
अंदर भी है। ओ माय गॉड, कुत्ता भी पड़ेगा उसके पीछे। ओ भाई तू साले, ओ भाई क्या खेल मचा रहे हैं साले। तुझे ऊपर आने के लिए हमारे को बंदर और चरमन से पड़ भी रहते हैं। तरक्की हो चुकी है इस गांव की तेल की। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं बोर धनसाली से। हम अप्रोक्स 3 किलोमीटर पीछे ही रुके क्योंकि हमने हमारा स्टॉप ही यही है बोर गांव। तो यहां पे जाना है हमने और ये रहा नीचे गांव। और आम किसने कटा दिए? हाँ मैं तो आम खाता भी नहीं हूँ। इधर के साइड थे वो तो? हाँ तो वही तो बोल रहा है, यहीं पे थे। अबे नीचे होंगे सीट के नीचे। तो अब चलते हैं नीचे। हमने बुला दिया शालू को ऊपर ही। और यहाँ हम आए हैं इसकी बुआ के यहाँ। और मेरे तो वो रिश्ते में मतलब हमारे बिजवाण की मतलब हमारी कास्ट की है। तो मेरे मेरी तरफ से वो दादा और दादी लगते हैं। ये मेरा चाचा है। मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई चाचा भी क्यों क्या वो? अच्छा ये क्या बोलता है उन्हें? मामा जी बोलता है ना। अब मैं दादाजी बोलूँगा तो इसको क्या बोलूँगा मैं? तुम खुद बताओ ना। तुम चाचा नहीं बोलेगा? चाचा नहीं बोलूंगा तो कुछ और। ये मामा जी बोलता है उन्हें ठीक है। और मैं दादाजी बोल रहा हूँ। मामा जी भाजी क्या लगा? नहीं ये मेरा मामा ही होगा फिर। चलना पान चलना। तो ऐसा ऐसा हो रहा सीन ठीक है। बाकी चलते हैं नीचे। अभी आ रहे हैं ऊपर ही तो सामान ज़्यादा है। देखो ये कट्टे भी लेके जाने हैं, ये गेहूं के कट्टे, बैग चीज और चीज़ें वगैरह। तो फटाफट इनको उठा के चलेंगे नीचे की तरफ। बस वो आ जाए ऊपर की तरफ। सालू अपनी सहेलियों के साथ आ चुकी है कट्टे लेके। अब ये सारे कट्टे की जिम्मेदारी सालों के हाथों में। हम कुछ नहीं जानते, हमने हाथ खड़े कर दिए। इसी कैसे हम लेके आगे इसके आगे अब किसकी जिम्मेदारी? तो ये रही सालू। ये हमारी स्पेशल वो है, हमारी मेजबान। चलो भाई बहुत ला गया ये कट्टे निकाल। पर इसे ऐसे लगे बहुत है। आज यहाँ पे गेहूं के 4 कट्टे हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 से 4 हो चुके हैं और अब ये 4 लेके जाएंगे। एक ही सू लेके जाएगा स्पेशली सबसे ज्यादा वाला ये वाला। अब बाकी छोटे छोटे हम थोड़ा अभी हम चल रहे हैं नीचे गाँव की तरफ मतलब घर की तरफ ठीक है। और आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो गेहूं का हमने 4 थैलों में बंटवारा कर दिया था और इस चक्कर में अब हमारे पास 4 थैले हो चुके हैं जिसमें सबसे भारी वाला मेरे को पकड़ा दिया है। बट इट्स ओके, वो मैंने खुद ही ले लिया था। और अभी हमारे साथ है हमारे कैमरामैन, आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका तो हमारे साथ है हमारी जिजारू कैमरामैन प्रियंका। ये अभी 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 मिली है हमारे पास नए नए अपॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग। और अभी हम चल रहे हैं स्लीप है, थोड़ा ब्रेक मारते मारते चल रहे हैं हम। एंड पहुँचते हैं तभी करूँगा बात ठीक है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं इसके घर में। यही बताइए अपने घर के बारे में, ना ही जानता इसको ठीक है। तो, हाँ अभी भांडे तो हो रही है इसके बाद बताइए जानकारी। और बाकी हमने चाय वगैरह पी ली है और दिखा रहे हैं हमारे दादाजी को। दिखा हो रहे हमारे दादाजी फोन में बात करते हुए। अब दूसरे दादाजी मैं दोनों दादाजी लाइन में घूम रहे हैं यहाँ पे कि भाई अरे बूढ़ दादी वो देखो वो हमारी बूढ़ दादी है वो देखो दादी बूढ़ दादी ना रही है हमारी बूढ़ दादी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी लग रही है, कभी कभी नहीं लग रही है। आगे मौसम तो अच्छा हो रखा है यहाँ पे ऋषिक की गर्मी से लाख गुना चाहिए। अब तो यही रखना पड़ेगा कैमरा मैन फोकस कर। ना आते समय हो गया था फोकस। ऐसे मत निकलो भाई साहब, मेरा ये मस्त मौसम हो रहा है। घुमा दे कैमरा उसे, देख रही थी अंदर घुस गई। बहुत एक हाथ हुआ है
भांडे धो रही है अभी। और ये क्या है भाई, हमारी दादी है, इतनी यंग दादी देखी कोई दादी कहीं अंदर बुढ़ा दादी का तो देखो कितनी कामकाजी लड़कियां हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गुड देखो गाइस, भूतों का आना जाना लगा रहता है इस रोड से, उसके नीचे से कट मार के जाते हैं और फिर उसके बाद कट करके जाते हैं। जिंदगी के तार, जिंदगी के तार। क्यों बोले सर कि गाइस यहाँ पुल है, उसमें बहुत सारे यहाँ गडमाना है, बोले उसमें बहुत सारे गडमाना मींस गडमाना है, गदीरा गदीरा है, इसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। फाइव गार्ड्स चले, लेट्स गो, आज हम भूत पकड़ने जा रहे हैं। क्यों ना उन्हीं की क्लास ले, क्या बोल रहे सालों को पकड़ लो। दस से ज्यादा भूत तो नहीं, वो यहाँ वालों को नहीं पकड़ते, वो बाहरी वालों को। उसको देखा मैं क्या बोला, वो बाहर वाले पकड़ते हैं, सच में बाहर वाले क्या खाओगे? नहीं सच में है ना शालू, पकड़ते हैं ना वो जो बाहर से आते, जो लोग उन्हीं को पकड़ा जाता है ना बाहर से, जो लोग यहाँ खोपड़ा तो की नबज, तो की नबज दिखे तो बस। अब कौन बचा आखिरी, कौन बचा इकलौता? घर कैमरा उधर करना, इस चक्कर में होगा तुरंत भाई। हमारे दादाजी ऐसे यंग दादा देखे तुमने कहीं? बताओ तुम खुद, बताओ तुम खुद देखो, अब मेरे कैमरा क्यों मार रहे, थोड़ा दूर रहे, तुम खुद देखो। तेरे बालों में बहुत मकड़े घुसे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, सारे जाले उड़ा दिए भाई मैंने। आ क्या चाले उड़ाने आया हूँ मैं। सो गाइस हम आ चुके हैं पितर कमरे में, और ये देखो मामा जी, नानी जी, बाकी भाई अभी लाइट भाग रही है, आ रही है, कुछ कह नहीं सक रहे लाइट का, क्या पता कब भाग जाए फिर से। बाकी पहुंच चुके हैं हम मोर गांव में, भंसाली से 2-3 किलोमीटर पीछे ही है। कल का देखेंगे प्लान, कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने। हमारे दूसरे दादाजी है, हाय करो ऐसे। अच्छा हाँ जी। तो ये हमारे दूसरे दादाजी हैं, और बाकी फिलहाल इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स रिश्तेदारों के साथ, कमेंट डाउन ब्लॉग में चार, बाकी सब्सक्राइब करो फार जोन को, और मैं मिलता हूँ, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और